सत श्री अकाल, स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन की पोती की हिफाजत कर रहे सीक्रेट सर्विस एजेंटा ने उस समय गोलीबारी की जदों तीन लोगों ने उसके एक वाहन च जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की। अधिकारियों ने दसिया कि इन्होंने सुरक्षा कर्मचारी नौमी बाइडन की सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी गई। अधिकारियों ने दसिया कि सुरक्षा कर्मचारी जॉर्जटाउन च नौमी के नाल बाहर गए सन जदों उन्होंने तीन लोगों ने स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल की खिड़की खोलने की कोशिश करते देखा। एसयूवी से कोई सीक्रेट सर्विस का निशान भी नहीं सी। रिश्वत लैके संसद च सवाल पूछने के दोषों घिरे तृणमूल कांग्रेस के सांसद मैंबर महुआ मोहत्रा 2024 की आम चोणों तो पहला पार्टी ने नवी जिम्मेवारी सौंपी है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ते टीएमसी सुप्रीमो ममता बैनर्जी ने मोहत्रा कृष्णनगर जिले का पार्टी प्रधान लाया। विवादों घिरी मोहत्रा यह जिम्मेवारी सौंप के तृणमूल ने उन्होंने समर्थन देने का स्पष्ट संदेश दिता। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने पैसों के बदले सवाल पूछने संबंधित मामले च उसनों बरखास्त करने की सिफारिश की। पंजाब सरकार 7 जनवरी 2024 नगर निगम चोणा करवा सकती है। इस संबंधी आम आदमी पार्टी भी अपनी तैयारियां कर रही है। निगम चोणा लंबे समय तो लटकिया हुई हैं। लोकल बॉडीज विभाग ने निगम चोणा कराने संबंधी 2-3 बार नोटिफिकेशन जारी करके पंजाब राज चोण कमिशन को भेजा सी, पर बाद चोणा मुड़ मुलतवी कर दी गई। इसके कारण यह भी सी कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का ध्यान होरना सूबे में हो रही विधानसभा चोणा हल सी। विधानसभा चोणा के नतीजे 3 दिसंबर में ऐलाने जाने ने, इसलिए निगम चोणा जन विच कराने को पहल दी जा रही। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने श्री गुरु रविदास महाराज से संत कबीर जी के कथित इतराजयोग टिप्पणी के मामले जिला सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने का हुक्म दिया है। सबूतों की कमी के चलते इस केस रद्द करने के हुक्म जारी हुए हैं। हुण जलंधर देहाती पुलिस जल्द मामले रद्द करेगी। केस 17 मार्च में जलंधर के थाना पतारा च दर्ज किया गया। केस दर्ज होने बाद राम रहीम ने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने सारे पक्षों को सुनने तों बाद कहा कि इस मामले में पटिशनकर्ता को भाषण देते समय किसी व्यक्ति या भाईचारे की भावना में ठेस पहुंचाने के इरादे नाल जां जानबूझ के किए गए काम का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। जलंधर च कुछ समय पहला पुरानी रंजिश से चलते कुछ लोगों ने एक नौजवान से गोलियां चला दी सन, जिसमें निजी हस्पताल दाखिल करवाया गया। इलाज दौरान उसकी मौत हो गई। दसा जा रहा है कि कुछ दिन पहला भी इन्होंने रोहित से हमला करने की कोशिश की थी, पर उस समय बच गया। जलंधर च देर शाम जख्मी रोहित शर्मा की जौहल हस्पताल इलाज दौरान मौत हो गई। इसकी पुष्टि करदिया ACP निर्मल सिंह ने दसिया कि पुरानी रंजिश में लैके दोवों धिरों में झगड़ा चल रहा। कुछ दिन पहला भी उसने पुलिस को शिकायत की, पर बाद च राजीनामा कर लिया। मुलजमान की गिरफ्तारी लिए छापेमारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नहरू की जयंती से उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट की। देश के पहले प्रधानमंत्री नहरू का जन्म 1899 होया सी। वह कांग्रेस के एक प्रमुख नेता स्वतंत्रता सेनानी सन। उन्होंने 1964 प्रधानमंत्री अहुदे ते रहने दौरान देहांत हो गया। नहरू के नाम भारत के प्रधानमंत्री तौर पर सब तो लंबे समय तक काम करने का रिकॉर्ड दर्ज है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच X से एक पोस्ट कहा कि साढ़े पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नहरू जी की जयंती से उन्होंने श्रद्धांजलि। CBI ने सुकेश चंद्र शेखर समेत वख-वख हाई प्रोफाइल कैदियों को करोड़ों रुपए लेने के दोष हेठ दिल्ली के सबका जेल मंत्री सतेंद्र जैन विरुद्ध मामला दर्ज करने लिए उपराज्यपाल को प्रवानगी मंगी। जैन विरुद्ध अगों कार्रवाई करने लिए उपराज्यपाल VK सक्सेना की प्रवानगी की मांग करते हुए CBI ने दोष लाया कि सबका पुलिस डायरेक्टर जनरल संदीप गोयल, सबका वधीक इंस्पैक्टर जनरल जेलां सबका वधीक इंस्पैक्टर जनरल जेलां मुकेश प्रसाद से होरना अधिकारियों की मिली भुगत नाल दिल्ली दी जेलों में उच्च पदरी भ्रिष्टाचार से वसूली का रैकेट चल रहा है। पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी 24 परगना जिले सवेरे तृणमूल कांग्रेस के आगू सैफुद्दीन लश्कर की गोली मार के हत्या की गई। इस घटना तो गुस्से च आई भीड़ ने शकी नूं कुट-कुट के मार दिता। इस दे नाल ही कई घरों नूं अग दे हवाले किया। इस घटना नाल जिले च तनाव फैल गया। भीड़ ने कई घरों नूं साड़ दिता है। कतलेआम ते उस तों बाद हुई मॉब लिंचिंग नूं लैके तृणमूल कांग्रेस के विरोधी पार्टी CPM एक दूजे ते दोष ला रहे ने। तृणमूल नेता सैफुद्दीन लश्कर बमूकांची इलाके च तृणमूल इकाई दे मुखी सन। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर च एक इमारत च भयानक अग लगन नाल 40 साल औरत की मौत हो गई, जदों कि 26 लोगों ने बचा लिया। अधिकारियों ने दसिया कि अग इमारत के पार्किंग एरिया तो शुरू हुई थी, पूरी इमारत अपनी लपेट में ले लिया। दसिया कि इस घटना च एक औरत की मौत हुई, जदों कि दिल्ली फायर सर्विस ने 26 लोगों ने पालतू जानवर बचाया। उन्होंने दसिया कुछ लोगों ने अपने आप को बचाने लिए खिड़कियों तो छाल मारी। उन्होंने दसिया कि इन्होंने सारे लोगों को हस्पताल ले जाया। केरल के कासरगोड जिले में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। वीडियो काफी दर्दनाक है, जिसनों देख के तुम हैरान रहोगे। वीडियो में दादा जी अपने घर के सामने कार खड़ी करने की कोशिश कर रहे सन। उस समय उन्होंने पोता उत्थे खेड रहा। बदकिस्मती नाल दादा पोते को खेड़ता नहीं देख सकिया। कार बच्चे के उपर चढ़ गई। मंदभागी घटना उस समय वापरी जदों कार मोड़ते समय दादा जी ने गलती नाल कार बच्चे के उपर चढ़ा दी। सारी घटना घर च लगे CCTV कैमरे च कैद हो। उत्तराखंड के उत्तरकाशी राष्ट्रीय राजमार्ग से एक निर्माण अधीन सुरंग का एक हिस्सा एतवार सवेरे ढह जाने कारण 40 तो 45 मजदूर अजे तक मालवे हेठा दबे हुए हैं। मजदूरों की जान बचाने लिए पाइपा राही ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। स्टेट डिजास्टर रिस्पोंस अधिकारी दुर्गेश राठौड़ी ने दसिया कि लगभग 40 तो 45 मजदूर अंदर फसे हुए हैं। मालवे में फसे मजदूरों को बचाने लिए पाइपा राही ऑक्सीजन दी जा रही है।
मशीन लगातार मलबा हटा रही ने। दस दिए कि हादसा एतवार सवेरे 4 बजे के करीब उस समय वापर जो 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का 150 मीटर लंबा हिस्सा डिग गया। लुधियाना की ताजपुर रोड स्थित सेंट्रल जेल में उस समय खून खराबा हो गया जो हवालातियों विचकार जबरदस्त झड़प हो गई। इस दौरान एक हवालाती के सिर च सट लगी जिस मगर उसे सिविल हस्पताल लाया गया। जानकारी मिलते ही जख्मी हवालाती के परिवारक मैंबर भी सिविल हस्पताल पहुंच गए। उन्होंने पुलिस ने बहसबाजी भी हुई। परिवारक मैंबर ने जेल मुलाजमत उन्होंने पुत नाल कुटमार करने के दोष लाए ने। जानकारी मुताबिक जख्मी हुए हवालाती की पछाण प्रीतम सिंह के रूप में हुई। उक्त हवालाती के कतल के दोष से मामला दर्ज है जिसके कारण वह जेल च बंद। दूजे पास जेल प्रशासन वालों इस घटना की जांच की जा रही। श्री रामचरित मानस और बद्रीनाथ बारे अपनी वाद विवाद वाली टिप्पणी वाली सुरक्षा रहने वाले समाजवादी पार्टी के प्रधान विधान परिषद मैंबर स्वामी प्रसाद मौर्य हुण देवी लक्ष्मी प्रति टिप्पणी करने दो बाद विवादों घिर गए ने। बाद चुना इस बारे स्पष्टीकरण दिंदा कहा कि उन्होंने मकसद किसी की भावनावां ठेस पहुंचाना नहीं सगो सारिया घरेलू औरतों का सन्मान करना सी। मौर्य ने दिवाली के मौके अपनी पत्नी की भी पूजा की। तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से साझी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को झारखंड में जनजाति गौरव दिवस मौके विशेष तौर पर कमजोर आदिवासियों के समूह के समुचे विकास के उद्देश 24,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू करनी। उन्होंने कहा कि PVTG विकास योजना आदिवासियों के सशक्तिकरण लिए एक बड़ा कदम होगी तो अपनी किस्म की पहली होगी। यह अपनी किस्म की पहली कोशिश होगी। साल 2023-24 के बजट में समाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करने की योजना का ऐलान किया गया। PM मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने झारखंड में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी आदिवासी योद्धे भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस में मनाने का ऐलान किया। कनेडा के भारत विचाले तनाव घटने का नाम नहीं ले रहा। भारत के सख्त कदमों नजरअंदाज करते कनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने स्टैंड से कायम ने। उन्होंने मुड़ बड़े खुलासे किए। ट्रूडो ने कहा कि खालिस्तानी नेता हरदीप निज्जर की हत्या पिछे भारतीय एजेंसियों का हाथ से। इसकी जांच लिए कौमांतरी भाईवालों तो मदद मंगी गई। दरअसल कनेडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने अपनी धरती से खालिस्तानी लीडर निज्जर की हत्या में भारतीय शमूलियत की अपने दोषों की पुष्टि करते हुए नवी दिल्ली के 40 डिप्लोमेटा बाहर कट के व्यान कन्वेंशन की उलंघना करने का दोष लाया। कतल की तह तक पहुंचने लिए होर कौमांतरी भाईवालों तो मदद मंगी। फिलहाल स्पीड न्यूज़ बस इन्ना ही। मैनू दिओ इजाजत। धन्यवाद।